आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे सुरंग में फंसी जिंदगियों की। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में पिछले 6 दिनों से 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम आपदा प्रबंधन सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां रेस्क्यू कार्य कर रही है। वहीं आज देहरादून सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने टनल में फंसे हुए मजदूरों को लेकर कहा कि वो पूरी तरह से सकुशल हैं। वहीं एसडीआरएफ के डीआईजी ने कहा है कि ऑपरेशन बेहद प्लान तरीके से चल रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की जा रही, बहुत ही माइक्रो लेवल पर मिनट टू मिनट काम किया जा रहा है। वहीं एनएचआई डीसीएल के निदेशक अंशु मनीष खलको ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एमएस पाइप की स्केप टनल बनाने के लिए ऑगर मशीन की सहायता से पाइप पुशिंग का कार्य प्रगति पर है। अभी जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह से ये अभी चल रहा है वहां पे, तो बहुत व्यवस्थित बहुत प्लान्ड वे में, ताकि जल्दबाजी इसमें ना हो कोई, क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि वहां पे मलबा भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए मशीन को जो ऑगर मशीन है उससे पूरे प्रॉपरली पूरे सिस्टमेटिकली उसको पुश किया जा रहा है, ताकि टाइमली उनको निकाला भी जा सके और साथ साथ में ऑक्सीजन मेडिसिन खाने की वो भी उसका भी बैकअप उनको दिया जा रहा है। जहां तक अभी जो ग्राउंड लेवल से, जो क्योंकि हम बहुत माइक्रो लेवल पे बिल्कुल मिनट टू मिनट वहां पे हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं ये एसईओसी की तरफ से, तो अभी वहां पे जो फिफ्थ पाइप है जो वो उसको पुश किया जा रहा है, तो 22 मीटर तक का तो पुश अभी तक हो चुका था और अभी उसकी कार्रवाई चल रही है। इस तरह के हाई प्रेशर में काम कर रहे हैं जहां 1750 हॉर्स पावर की मशीन काम कर रही, तो वो तो होगा, तो वो छोटी मोटी चीजें तो चलती रहेगी, उसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा और मशीन में कोई इनएफिशिएंसी। हम हमेशा बैकअप क्रिएट करने के लिए, हम हमेशा बैकअप क्रिएट करने के लिए एक और मशीन रखते हैं। जब आपने देखा पहली थी उसको हमने इसलिए चेंज किया कि उसकी करने की क्षमता कम थी, तो हमने दूसरी स्टेट ऑफ आर्ट में चाहिए। अब जो तीसरी आ रही वो भी सेम स्टेट ऑफ आर्ट की है, उसका ब्रांड डिफरेंट है और इसको हमने इंदौर से एयरलिफ्ट करा। सर आज पूरे दिन में कितना मीटर ड्रिल हुआ है? कल रात को मैंने आपको बताया था 6 मीटर करीब ड्रिल हुआ था और 6 मीटर से आप सुबह 22 मीटर। नहीं, मैंने पहले ही क्लैरिफाई किया कि सुबह मैंने 24 बोला था, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ 22, क्योंकि 24 टोटल है, उसमें से 22 की खुदाई हो चुकी है। 2 मीटर इसलिए रखा जाता है कि जो पांचवा पाइप है उसको हम जोड़ रहे हैं, अगर आप सारी अंदर कर देंगे तो उसमें जोड़ने के लिए जगह नहीं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि टनल में फंसे हुए मजदूरों को लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है और वहां पर इंजीनियर और वैज्ञानिक हर तरीके से हर कोई काम कर रहा है। साथ ही पीएम मोदी खुद लगातार इस मामले में अपडेट्स ले रहे हैं। वहां पर जो इंजीनियर हैं और विशेषज्ञ हैं सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी 25 मीटर तक जो है वहाँ पर जो पाइप डालने का काम है वो पूरा हो चुका है, बीच में चूंकि रॉक्स भी आ रही हैं वहाँ पर आ रही है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है, लगातार उस पर सब लोगों की नज़र भी बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी जो है नहीं अभी जो भी विशेषज्ञ लोग हैं, चूंकि एनएचआई डीसीएल उसकी कार्यदायी संस्था है और उसमें सभी प्रकार के जो भी विशेषज्ञ हैं सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उधर देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने टनल हादसे को लेकर भी सरकार पर निशाना साधने का काम किया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने में सरकार और पूरा तंत्र फेल साबित हुआ है और इसके साथ ही उन्होंने 9 नवंबर को देहरादून में हुई लूट की घटना को लेकर भी सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। ये पूरा मध्य हिमालय का जो भूभाग है जियोलॉजिकली ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। देखिए, राज्य में सबसे बड़ी आज तक की डकैती, जब से राज्य बना तब से लेकर अब तक, 9 तारीख को राज्य निर्माण की 23वीं वर्षगांठ के अवसर पर जब राष्ट्रपति महामहिम देहरादून में
23वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी, उसी समय यहाँ पर डकैती पड़ी। हमारा ये कहना है, 9 दिन बीत गए हैं, गृह मंत्री शाम को आ रहे हैं, राष्ट्रपति मौजूद हैं, और इतनी बड़ी घटना घट गई। राज्य की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ, महामहिम राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है? IMA जैसा सेंसिटिव संस्थान जहां पर है, ONGC जैसा हेडक्वार्टर जहां पर है, सर्वे ऑफ इंडिया से लेकर के और तमाम बड़े बड़े केंद्रीय संस्थान IAS अकेडमी जिस देहरादून में है, उस देहरादून के अंदर कहां वो सेंट्रल एजेंसीज थी कि राष्ट्रपति की मौजूदगी में इतनी बड़ी डकैती हो गई? और सबसे अफसोस की बात यह है कि कानून व्यवस्था पूरे राज्य में पूरी तरह से तार तार हो चुकी है, और इससे बड़ा नमूना नहीं हो सकता कि राज्य की सरकार इतनी उदासीन है कि 9 दिन बाद भी अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। तो नवीन, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि सुरंग में जिस तरह से 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं, ऐसे में उस पर राजनीति होना कहां तक सही है? और बड़ा सवाल ये भी यहां पर खड़ा हो रहा है, जो मजदूरों के परिजन भी लगा रहे हैं, कि शुरुआती दौर में ही स्थिति की गंभीरता को क्यों नहीं चेक किया गया था जो इतना बड़ा हादसा हो गया? जी मनीषा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तरकाशी की घटना हुई है, कहीं ना कहीं उसको लेकर तमाम सारे जब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, वो 25 मीटर तक जो पाइप है उसे डालने का काम कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मशीन हीट होने की वजह से वह काम रुक गया है। और इसके बाद अब जो है थोड़ी समय बाद फिर से यह काम शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना था, ये जो कार्यदायी जो संस्था है जो यह काम कर रही है, उसने सुरक्षा मानकों का क्यों नहीं ध्यान रखा, तो तमाम सारी बातें उठ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपर मुख्य सचिव ने भी इस तमाम जो मामला है इसको जानकारी ली है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाम भी लगातार मामले की जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जाए, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अभी राजस्थान दौरे पर हैं, लेकिन वहां से भी जो टनल का जो कितना रेस्क्यू के जो आगे चीजें बढ़ी हैं उसका पल पल की अपडेट वह लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नवीन, तो हादसे पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी जन्म ले रहा है कि क्या उच्च हिमालयी क्षेत्र में इस तरह के निर्माण कार्य होने चाहिए? अब देखिए, तमाम सारे वैज्ञानिक है, उनका रिसर्च लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो हाल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की यही सामने आ रही है कि जो टनल में लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से जल्द रेस्क्यू करके निकाल गया, क्योंकि 6 दिन का एक लंबा समय अभी बीतता गया है। तो सरकार की जो अभी प्राथमिकता है, शासन और प्रशासन इस चीज में लगा हुआ है, तमाम सारी जो मशीनें हैं वो भी काम में लगी हुई हैं, और प्राथमिकता यही रहेगी कि जो पहले लोग जो वहां पर श्रमिक फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम किया जाए, इसके बाद जो जो सेंसिटिव जोन है उसको चिन्हित करने का काम किया जाए, या फिर जो कार्यदायी संस्था है अगर उनकी तरफ से लापरवाही हुई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुरंग में 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं और उस पर अब राजनीति होते हुए भी जमकर नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार का यह कहना है कि जो 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं वो फिलहाल के लिए पूरी तरह से सकुशल हैं और उन्हें निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उधर राजस्थान के विराटनगर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी कुलदीप धनकर के समर्थन में आयोजित आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सीएम धामी ने कुलदीप धनकर के समर्थन में आयोजित आम सभा को संबोधित किया और कहा कि सभा में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का वो स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और यहां पहुंचने पर उन्होंने कहा कि जो उत्साह स्वागत के दौरान देखा गया है उतना ही उत्साह मेरे अंदर भी है और मैं इस उत्साह के लिए आभार व्यक्त करता हूं। यहां आप लोगों के बीच पहुंचकर जो उत्साह और जुनून देखने को मिला है वो वाकई में काफी ज्यादा सराहनीय है। इस तरह की बातें सीएम धामी कहते हुए नजर आए। मैं आप सब लोगों के बीच में आज देवभूमि उत्तराखंड से भाई कुलदीप जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं।
आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और विराटनगर का जो ऐतिहासिक पौराणिक जो महत्व है वो पूरे भारतवर्ष के लोग, दुनिया के लोग जानते हैं। इस भूमि से भगवान कृष्ण का भी संबंध है और ये वही विराटनगर है। मैं अभी पूछा था कुलदीप जी से जब गाड़ी में आ रहा था कि जहां पूरी कौरवों की फौज को अर्जुन ने अकेले पांडवों ने त्रस्त कर दिया था, यही तो मैं आज आप सब लोगों से ये कहने आया हूं कि जो कांग्रेस का कुशासन है, कांग्रेस का जो दुशासन है, उस दुशासन को 25 तारीख को जिस दिन वोट होगा, जिस दिन वोटिंग होगी, अपने वोटों से इस कांग्रेस को परास्त कर दीजिए और साफ कर दीजिए। भाइयों बहनों, यहां भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल भी हम सब लोगों ने देखा है किस प्रकार से यहां तेजी से विकास हुआ है। मैं पिछले दिनों जो परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर चलाई थी, उस परिवर्तन यात्रा में मैंने भाग लिया था और मैंने देखा किस प्रकार से लोग कह रहे थे कि 5 सालों के अंदर अनेक प्रकार से जो विकास के काम चल रहे थे उन विकास के कामों को रोकने का काम हुआ। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो दिल्ली से पैसा भेज रहे थे यहां के विकास के लिए, यहां के बिजली के लिए, यहां के पानी के लिए, यहां के स्वास्थ्य के लिए, यहां के किसान भाइयों की सिंचाई के लिए, यहां की सड़कों के लिए, वो सारा का सारा पैसा आप सब तक नहीं पहुंचने दिया गया, बीच में ही रोक दिया। भाइयों बहनों, अभी कह रहे थे ना कितने दिन पानी आ रहा था, 7 दिन में एक बार पानी आ रहा है। भाइयों बहनों, आखिर क्या हालत कर दी है ये आपने, दोनों ही कार्यकाल देख लिए, पहले का कार्यकाल भी आपने देखा और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, वसुंधरा दीदी का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में राजस्थान को एक नई दिशा देने का काम हुआ था। उस सारे कार्यकाल में जो काम हुए थे उन सभी कामों को रोकने का काम हुआ है और 5 सालों में राजस्थान की दशा और दिशा दोनों ही बिगाड़ने का महापाप किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। और इस महापाप की जो सजा है राजस्थान की जनता कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके लेगी। उधर उत्तराखंड के नैनीताल में भी भीषण हादसा देखने को मिला है और दरअसल ओखल कांडा में एक वाहन जा गिरा जिसमें 10 से अधिक लोग सवार थे और मैक्स कार अंधौरा से हल्द्वानी आ रही थी। इसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं जिन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक व्यक्त किया है और दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। ये सुबह आज उधर डालकन्या अधोड़ा से गाड़ी आई तो यहाँ आते आते यहीं से डिसबैलेंस होकर चलेगी जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है जिसमें एक बच्चा भी शामिल है और साथ में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, वो लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है। प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि कहीं ना कहीं सड़क की जो ये हालत है ना, 2019 की आपदा के बाद आज तक मलबा एक भी नहीं हटा है। जो अब तक की सूचना मिली है उसके आधार पर थाना खंशु क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई आज सुबह जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारियाँ थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे, 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी, 2 की जो डेथ है वो शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। तो जो बाकी 3 लोग उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और रेस्क्यू जो है वो कम्प्लीट हो गया। देहरादून में कांग्रेस ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया है और आपको बता दें कि बीते 9 नवंबर को देहरादून स्थित रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती को लेकर नाराजगी जताई गई और इसी नाराजगी में पुतला भी फूंका गया।
इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में 18 नवंबर को राजधानी देहरादून के सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन हुआ और इस पर जिला सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया है कि इस बार रोजगार मेले में 7 सेक्टर्स की 44 कंपनियां हिस्सा लेंगी और इसमें 1371 पदों के लिए अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो भी अभ्यर्थी रोजगार मेले में हिस्सा लेना चाहते हैं वो रोजगार प्रयास पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। उधर हरिद्वार में निर्माणाधीन रिंग रोड का काम महज 20% पूरा हो पाया है और आपको बता दें कि करीब 15 किलोमीटर लंबी रिंग रोड 850 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। एनएचएआई के अधिकारियों के मुताबिक रिंग रोड बनाने में स्थानीय लोगों के अंडरपास की मांग और जमीन अधिग्रहण जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। हालांकि अधिकारी प्रोजेक्ट को दिसंबर 2024 में पूरा कर लेने का दावा कर रहे हैं, साथ ही इससे लोगों को जाम से काफी हद तक निजात भी मिल सकेगा। देखिए, उसमें मेन तो समस्या ये थी कि वहाँ पे जगह जगह लोगों की मांग थी कि हमें अंडरपास और ये चाहिए, तो वो चीज़ें भी बैठ के कुछ रिजॉल्व हो गई हैं और अब उसका काम भी तेज़ी से शुरू हो गया है। तो अब तक मतलब उसका 20% काम तो हो गया है और उसका काम अगले साल जो है दिसंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे। ये 861 करोड़ का है इसका कॉस्ट जो है। अब तक पूरा नहीं होगी रिंग रोड का, ये दिसंबर एंड तक मान के चलिए 24। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत देहरादून में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और सम्मेलन में मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो विधानसभा क्षेत्र के सभी 70 जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करेंगे। वहीं पंचायती राज डायरेक्टर निधि यादव ने इस सम्मेलन की जानकारी दी है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। पंचायती राज विभाग ने 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर हमारे जो एनजीओस और हमने संस्थाओं को इम्पैनल किया है पंचायती राज विभाग ने, जो हमारे 70,000 जनप्रतिनिधि हैं उनको जाके ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं ये फील्ड में जाके, उस जो भी इस विभाग की मैंडेट है, इस विभाग का विल है, वो ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी जिसको पंचायत या ग्राम पंचायत कहते हैं वहां तक ये पहुंचे, ये जो हमारा दृष्टि है वहां तक विभाग के तौर पर भले ही ना पहुंच पाए, तो चूंकि इनके माध्यम से हम अपना दृष्टिकोण और अपना मैंडेट उस अंतिम स्तर पर खड़े हुए उस व्यक्ति के लिए ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए जो प्लान किया गया उसकी। उत्तरकाशी टनल हादसे का 6ठा दिन है और टनल में फंसे 44 मजदूरों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके और उत्तराखंड डीजीपी ने रेस्क्यू का निरीक्षण किया है। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने की जंग जारी है। ड्रिल के दौरान आ रही है रुकावटें, टनल कमजोर होने से धीमी हुई है रेस्क्यू की स्पीड। नैनीताल में भीषण सड़क हादसा, मैक्स अनियंत्रित होकर जा गिरी खाई में जिसमें से 10 से अधिक लोग सवार थे, 8 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। नैनीताल में भीषण सड़क हादसा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। नवंबर में होने वाले बीजेपी के SC/ST सम्मेलन स्थगित, अब दिसंबर में होगा सम्मेलन का आयोजन। त्योहारों और शादियों के चलते लिया गया है शादी के सीजन के चलते लिया गया है फैसला। हरिद्वार में निर्माणाधीन रिंग रोड का काम 20% हुआ पूरा, करोड़ों की लागत से बन रहा है रिंग रोड, लोगों को जाम से मिलेगा निजात। उधम सिंह नगर में लकड़ी सोखता से भरे 2 ट्रक पकड़कर वन विभाग ने किया सीज, जांच के बाद तथ्यों के आधार पर होगी कार्रवाई। हल्द्वानी में कुमाऊनी बोली में शुरू हुई भागवत कथा, जनसेवा समिति ने किया कार्यक्रम का आयोजन, नगर भ्रमण कर किया गया श्रद्धालुओं को आमंत्रण। हरिद्वार में ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री से उठा पर्दा, युवती का हत्यारा निकला उसका पति, मामूली विवाद पर उठाया खतरनाक कदम। देहरादून में कांग्रेस ने किया सरकार का पुतला दहन, ज्वेलर शोरूम में हुई चोरी पर जताई नाराजगी, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने दिया बयान, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।